बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान के अंतर्गत दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन याद रहे बच्चों एक बार पाठ को जरूर से जरूर पढ़ लें। इससे ये होगा जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे वे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ कि आपने क्या कुछ इस पाठ में सीखा। नंबर एक, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना सूक्ष्मदर्शी जिसे आप माइक्रोस्कोप कहते हैं यंत्र की मदद से अकेली आँखों से नहीं दिखाई देते। समझ गए ना आप। इस पाठ में बताया गया है कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें किसी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं जिस यंत्र का नाम क्या है, सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं उसे, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी यंत्र के मदद से ही आप उन जीवों को देख सकते हैं। दूसरा, आपने यहाँ पर सीखा यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल एवं दलदल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। कौन, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, याद रखेंगे ना। और नंबर तीसरा, आपने क्या जाना इस पाठ में, सूक्ष्म जीव वायु जल मिट्टी पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, वायु जल मिट्टी पौधों एवं जंतुओं के शरीर में। आगे आपने जाना बच्चों एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं सूक्ष्म जीव, एक कोशिका वाले भी होते हैं और बहुत कोशिका वाले भी हो सकते हैं। आगे आपने पढ़ा जीवाणु कवक प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत, जीवाणु कवक प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल, ठीक है याद रखेंगे ना। और छठा, विषाणु इनसे अलग होते हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। किस वर्ग में, सूक्ष्म जीवों के वर्ग में, ठीक है। इसके बाद आगे आपने पढ़ा इस पाठ में विषाणु केवल परपोषी जीवों जैसे जीवाणु पादप अथवा जंतु में गुणन करते हैं। आगे आपने पढ़ा बच्चों कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोग होते हैं, यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव जो है उपयोगी होते हैं। और आगे आपने पढ़ा कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अवशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। और भी पढ़ा आपने बहुत कुछ, आपने पढ़ा प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं, कौन, सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। आगे आपने पढ़ा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों और अधिकाओं में पाए जाते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ये भी पढ़ा था ना आपने पाठ में। और आगे आपने पढ़ा था मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। और लास्ट पॉइंट आपके लिए, विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्वाचन वायुमंडल में होता है। तो ये सब आपने पढ़ा था पाठ में। उम्मीद है कि आप इन सब पॉइंटों को याद रखेंगे। खास करके आप ध्यान दें बच्चों जो जो यहाँ पर जो है आपके लिए लिखे गए हैं कि आपने क्या सीखा, इन सारे बिंदुओं को आप अच्छे से पाठ में से याद कर लें। और उसके बाद चलिए शुरू कर लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर क्या प्रश्न है आपके लिए, सूक्ष्म जीवों को, और यहाँ पर खाली छोड़ रखा है को, सहायता से देखा जा सकता है। किसकी सहायता से, आपको अभी बताया था यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप कि सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, नीले हरे शैवाल वायु से, और यहाँ पर आपको लिखना होगा का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप,
तब तक सोचिए, फिर हम आपको बताते हैं। और इसी प्रकार गय वाला है अल्कोहल का उत्पादन, और यहाँ पर भी आपको कुछ लिखना होगा, नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, तो किसका, यहाँ पर क्या लिखेंगे सोचिए ज़रा। और घय में हैजा के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, यहाँ पर आपको लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे इन सब में आप, चलिए उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले का था सूक्ष्मदर्शी जो हमने आपको बताया था, दूसरे में आप लिखेंगे नाइट्रोजन, तीसरे में आप लिखेंगे ईस्ट, और चौथे में जीवाणु, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इन चारों के जो खाली स्थान हैं इनमें आप लिखेंगे, कै वाले में सूक्ष्मदर्शी, खै वाले में नाइट्रोजन, और गय वाले में ईस्ट, और घय वाले में जीवाणु, ठीक है। तो इन चारों में आप इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। और इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न आपके लिए, सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाइए, और कह है ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो किसके उत्पादन में होता है ईस्ट का उपयोग, आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों, यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट में चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन और तितली, और साथ में चींटी, तो किस में होता है, आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर, चलिए अभी जानते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है और कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या अल्कोहल, या ईस्ट, तो इसका उत्तर भी आप सोचिए, फिर हम बताते हैं आपको। गय वाला प्रश्न पढ़ते हैं, मलेरिया परजीवी का वाहक है कौन सा, मादा एनाफिलीज मच्छर, या कॉकरोच, या घरेलू मक्खी, क्या होगा इसका आंसर, चलिए अभी देखते हैं। और संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, या मकड़ी, तो क्या लिखेंगे आप। इसके बाद आगे है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है, उष्णता है, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, या मारने के कारण। और अगला है बच्चों चय वाला, यहाँ पर चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का के प्रक्रम का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, या संक्रमण, तो क्या क्या लिखेंगे आप इनमें, कैसे चय तक, सबके उत्तर आपको जो है लिखने हैं। एक आपका सही आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसमें सही ऑप्शन पे आपने सही का चिन्ह लगाना है। चलिए देख लेते हैं उत्तर में, आप लिखेंगे जो कै वाला है आपका उसके लिए फर्स्ट को चुनें, और खै वाला सेकेंड, गय वाला फर्स्ट, और घय वाला सेकेंड, और गय वाला थर्ड, और चय वाला भी थर्ड, तो क्या होगा आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड, यहाँ पर देखा आपने उत्तर में क्या लिखेंगे। चलिए ऊपर से चलते हैं फिर से दोबारा, ये है आपका दूसरा प्रश्न, और सही का चिन्ह लगाना है, तो पहले में फर्स्ट का, ठीक है, और दूसरे में खै वाले में सेकेंड, ये वाला सही है, और तीसरे वाले में फिर फर्स्ट, और चौथे वाले में सेकेंड घरेलू मक्खी, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है लगाएंगे थर्ड गय वाले में, और उसके बाद चय वाले में भी थर्ड वाला, तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। आप समझे ना बच्चों, देख सकते हैं आप यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड थर्ड, इस प्रकार से आप आंसर के लिए सही का चिन्ह लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, कॉलम एक में के जीवों का मिलान कॉलम दो में दिए गए उनके कार्य से कीजिए, या आप ये कह सकते हैं कॉलम फर्स्ट का मिलान दूसरे में, फर्स्ट में किए सेकेंड में दिए गए उनके कार्य से कीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड, देख रहे ना आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से आपको दो कॉलम देखने को मिलेंगे, और इन दोनों को आपने मिलान करना है, मिलान करना जानते हैं ना आप, इस प्रकार से मिलान करना है, तो उत्तर में आप क्या करेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से मिलाएंगे, कह के साथ ये वाला मिलाएंगे, खै के साथ ऐसे देखें, गय के साथ ऐसे, और घय के साथ ये वाला, और गय के साथ ये, और इसके साथ ये, यानी कि आप इस प्रकार से मिलाते चले जाएं, और आपका आंसर हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखें, और जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में आप प्रश्न को देखते हैं उसके साथ इनको मिलाते चलें, ठीक है, कह के साथ आप मिलाएंगे ये वाला, और खै के साथ ये, गय के साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, गय के साथ गय और चय, इस प्रकार से आप मिलाते चलें, आपका आंसर हो जाएगा। चौथा है बच्चों, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। सूक्ष्म जीव के बारे में भी बताया था ना आपको, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत बारीक होते हैं, बहुत जो आँखों से वैसे खुली आँखों से,
या हम जो है बिना यंत्र की सहायता के नहीं देख सकते, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे नहीं, सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत अधिक छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है, आपकी स्कूल की जो लाइब्रेरी है बच्चों, या स्कूल में आप अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं, और हो सकता है आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप या जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं उपलब्ध हो सकती है, आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से इनके मुख्य वर्ग? उत्तर में लिखेंगे सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। और कौन कौन से चार मुख्य वर्गों में? आप देख सकते हैं, नंबर एक जीवाणु, तो इसमें होते हैं स्पाइटल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। नंबर दो कवक, एस्परजिलस या पेनिसिलियस एम, और यहाँ पर जो है प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम, और शैवाल में क्लेमाइडोमोनास या स्पाइरोगाइरा। तो इस प्रकार से आप इनके जो है नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर चार वर्ग हैं इनके, एक जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इन चार वर्गों में आप इन्हें बांट सकते हैं। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो आपको नाम लिखने, तो आप लिख सकते हैं उत्तर में लिख सकते हैं राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना उत्तर लिखेंगे। देख रहे ना आप, ये छठा प्रश्न है आपका, उत्तर लिख सकते हैं राइजोबियम जीवाणु। और यहाँ पर जो है सातवां प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको लिखने होंगे 10 पंक्तियाँ, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर एक जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा लिख सकते हैं ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। और नंबर तीसरा लिख सकते हैं ये अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। और चौथा लिख सकते हैं आप ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी उपयोगी होते हैं। पांचवा पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और अगला लिखेंगे जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। अगला लिखेंगे ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। अगला लिख सकते हैं टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। अगला लिखेंगे अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। और लास्ट में आप लिख सकते हैं दसवां, ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है बच्चों लिख सकते हैं, ये सातवां प्रश्न है और सूक्ष्म जीवों के बारे में लिख सकते हैं आप 10 पंक्तियाँ। देख रहे ना आप, यहाँ पर ऐसे लिखें और इन्हें अच्छे से याद भी करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आठवां प्रश्न है आपके लिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। तो आप जो है समझ सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं, तो आपने उनका विवरण देना है। किस प्रकार देंगे? उत्तर में लिखेंगे आप सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर एक कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। नंबर दो कुछ जीवाणु मनुष्यों एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। और थर्ड लिख सकते हैं कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। अगला लिख सकते हैं कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। और भी लिख सकते हैं बहुत कुछ, कुछ कवक दांत, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। और लिख सकते हैं कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को भी नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये आठवां प्रश्न है आपका, इसका उत्तर यहाँ से आप देखकर लिखें, अच्छे से लिखें और याद भी करें साथ साथ। नौवां प्रश्न है बच्चों, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? उत्तर में आप लिख सकते हैं ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं, जैसे ट्रेटासाइक्लिन और ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयां उतनी असरदार नहीं होंगी। तो आप समझ गए ना, इस प्रकार से आप जो है अपने इस नवे प्रश्न का उत्तर लिखें। प्रतिजैविक का मतलब समझते हैं ना आप,
एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिजैविक। तो इसके साथ ही बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 8 विज्ञान यानी कि साइंस के सभी चैप्टरों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें वीडियो। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखते रहें अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।